नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आई है कि भारतीय सेना को और ताकतवर बनाने के लिए भारत सरकार 25,000 करोड़ रुपए के नए आधुनिक हथियारों को खरीदने जा रही है और इसमें आकाश और अस्त्र मिसाइल भी शामिल है। इससे जुड़ी सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लगातार भारत सरकार प्रयास किए जा रही है और वैसे भी इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी भारतीय सेना कितनी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीच भारत को काफी ज्यादा खतरा है क्योंकि जिस प्रकार से चीन पाकिस्तान को एक के बाद एक हथियार दे रहा है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने चीन को 50 JF-17 फाइटर जेट के लिए ऑर्डर दिया था। तो दोस्तों, इसी बीच एक और अपडेट निकल के सामने आई है कि चीन पाकिस्तान को 25 J-10C फाइटर जेट देने जा रहा है और जिस तरीके से चीन पाकिस्तान को एक के बाद एक हथियार दे रहा है, उस पर तो चीन की एक ही चाल है कि भारत को दोनों तरफ से घेरा जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इसका मुकाबला नहीं कर सकता। भारत के पास भी एक से बढ़कर एक फाइटर जेट मौजूद हैं जो पाकिस्तान और चीन के फाइटर जेटों को धूल चटाने का दमखम रखते हैं, क्योंकि चीन में बने फाइटर जेट्स की क्वालिटी और भारत में बने हथियारों की क्वालिटी में काफी अंतर है। माना जाए तो चीन के 10 हथियारों पर भारत का एक हथियार भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, वहीं दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत भी पीछे नहीं है और इसी पर भारतीय डायनेमिक लिमिटेड ने एक बड़ी जानकारी दी है कि भारतीय जल सेना, थल सेना और वायु सेना को और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार 25,000 करोड़ रुपए के हथियार बनाने का ऑर्डर देने जा रही है और इसमें वो हथियार भी शामिल है जो स्पेशल तौर पर भारतीय सैनिकों के लिए बनाया जा रहा है और भारत सरकार इन हथियारों को भारतीय सैनिकों के लिए खरीद रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अग्नि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और अस्त्र मिसाइल भी शामिल है जिसका ऑर्डर भारतीय डायनेमिक लिमिटेड को मिलने की उम्मीद है और प्रेजेंट टाइम में भारतीय डायनेमिक लिमिटेड को 11,400 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें, लेजर गाइडेड बम शामिल है और इसी के साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जाने की बात भी हो रही है और इसके लिए अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल भारतीय सेनाओं के लिए काफी बेहतर होगी। और इससे पहले जैसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का टेस्ट हुआ था और अब जल्द ही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का भी टेस्ट होने वाला है जिसके बाद ये मिसाइल भी DRDO द्वारा प्रोडक्शन लाइन में खड़ी कर दी जाएगी और जब ये मिसाइल भारतीय सेना को मिल जाएगी तो भारतीय सेना की ताकत में काफी इजाफा हो जाएगा और चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए भी ये मिसाइल हमारे बहुत काम आएगी। वैसे आपका क्या सोचना है इन सभी बातों पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।